डार्क स्टार माइकल केविन के गिराज से गिवेन की मैजिक बुक चुराने की फिराक में होते हैं। बेन केविन और गिवेन उसे रोकते हैं, पर माइकल बुक में से एक पेज फाड़कर निकल जाता है। बेन फास्ट ट्रैक में आकर उसका पीछा करता है। माइकल पेज में लिखा स्पेल्स दोहराता रहता है जब एक जगह पर एनीवेयर डोर नमूदार होता है, साथ जोरदार धमाका भी होता है। बेन और माइकल दोनों ही संभल नहीं पाते। एनीवेयर डोर से चैमकास्टर सामने आती है। चैमकास्टर बेन को तो छोड़ देती है, पर माइकल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। चैमकास्टर माइकल को अपने महल ले जाती है और उसको ठीक करती है। माइकल का चेहरा भी ठीक हो चुका होता है। माइकल को लेजर डोमेन में 2 दिन गुजर चुके होते हैं, जबकि अर्थ पर अभी कुछ ही पल गुजरे होते हैं। बेन और केविन को लगता है चैमकास्टर माइकल को ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसे अपनी दुनिया में किसी का दखल देना पसंद नहीं, जबकि गिवेन को ऐसा कुछ नहीं लगता। उसकी नज़र में माइकल कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ चैमकास्टर को माइकल पसंद आ जाता है। चैमकास्टर माइकल के करीब होने लगती है। माइकल भी महसूस करता है कि लेजर डोमेन में चैमकास्टर के करीब होने से उसकी पावर बढ़ जाती है। गिवेन केविन से बुरी तरह नाराज होती है, क्योंकि केविन की छोटी सी गलती की वजह से गिवेन की मैजिक बुक माइकल के हाथ लगी, इसलिए वो केविन से बात नहीं कर रही होती। गिवेन मैजिक से एनीवेयर डोर बुलाओ तो लेती है, पर अब वो उसे खोल नहीं पाती, क्योंकि चैमकास्टर ने फिर से स्पेल्स बदल दिए थे। चैमकास्टर माइकल के साथ अपने मॉन्स्टर्स की फाइट करवाती है। जहां माइकल हारने लगता है, वहां चैमकास्टर से अपनी पावर देती है। माइकल चैमकास्टर को सोता हुआ छोड़कर एनीवेयर डोर के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर चूंकि चैमकास्टर हर लम्हे इसका नाम बदल रही थी, इसलिए माइकल उसे किसी भी तरह नहीं खोल पाता। चैमकास्टर उसे तलाश करती हुई उस तक आ जाती है। माइकल उसे कहते हैं उसे कुछ लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसका मजाक बनाया। अपना काम खत्म करके वो वापस चैमकास्टर के पास ही आएगा। चैमकास्टर उस पर एतबार कर लेती है और अपना असल नाम होप भी उसे बता देती है। चैमकास्टर माइकल को डोर का हाफ स्पेल याद करवाती है और दूसरा हाफ उसके हाथ पर लिख देती है, जब वो चाहे यहाँ आ सकता है। गिवेन जो डोर को खोलने की कोशिश में थी, डोर उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। डोर एक पावर प्लांट में ओपन होता है। माइकल बिजली अब्जॉर्ब करने लगता है। बेन और इसकी टीम भी आ जाती है। माइकल और इनकी फाइट होती है। गिवेन माइकल के पास बहुत ज़्यादा मैना महसूस करती है। गिवेन अपने मैजिक से उसका सारा मैना वापस लेजर डोमेन में ट्रांसफर कर देती है। माइकल पहले ही की तरह बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है। माइकल गिवेन को तकलीफ पहुंचाकर जल्दी से डोर ओपन करके लेजर डोमेन में गायब हो जाता है। बेन केविन और गिवेन को माइकल के हाथ पर ग्लो होने वाले स्पेल के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से उसने डोर ओपन किया। गिवेन उसी स्पेल का यूज करके डोर ओपन कर लेती है और फिर ये भी माइकल के पीछे लेजर डोमेन में एंटर करते हैं। डोर सीधा चैमकास्टर के महल में ओपन होता है। माइकल चैमकास्टर से गिला करता है कि अर्थ पर उसकी पावर ऐसे काम नहीं करती जैसे लेजर डोमेन में करती है। चैमकास्टर उसे तसल्ली देती है कि वो उसे सब सिखा देगी। तभी बेन केविन और गिवेन आ जाते हैं। बेन केविन और माइकल फाइट के दौरान महल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि गिवेन और चैमकास्टर अंदर एक साथ लड़ते हैं। गिवेन चैमकास्टर को माइकल की हकीकत बताती है कि वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। वो सिर्फ और सिर्फ चैमकास्टर का यूज कर रहा है। चैमकास्टर उसे पूछती है कि वो ये सब कैसे जानती है, जिस पर गिवेन कहती है वो 1-2 बार डेट पर गए थे। चैमकास्टर के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो मजीद उस पर भड़क जाती है। बेन और केविन माइकल का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। पहले की निस्बत माइकल बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया होता है। माइकल इन्हें कहता है वो अब कभी बदसूरत नहीं बनेगा और वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, फिर वो जादू की दुनिया पर अकेला राज करेगा। चैमकास्टर उसकी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। गिवेन उसे फिर से कहती है माइकल के इरादे अच्छे नहीं हैं, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। चैमकास्टर फिर भी सब अनदेखा कर देती है, मगर माइकल की अगली बात उसे रुला देती है जब वो कहते हैं ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत बनने के बाद वो प्यारी गिवेन को अपने साथ ले जाएगा। गिवेन के लिए माइकल के मुंह से प्यारी लफ्ज़ सुनकर चैमकास्टर रोने लगती है और इस सब का जिम्मेदार गिवेन को ठहराती है। वो गिवेन को महल के ऊपर से नीचे फेंकती है। बेन जल्दी से उसे बचा लेता है। चैमकास्टर माइकल को उसका असल नाम लेने को कहती है, मगर माइकल को याद नहीं होता, जिस पर चैमकास्टर मजीद गुस्सा होती है। बेन केविन और गिवेन वापस अपने डायमेंशन में आ जाते हैं। चैमकास्टर भी माइकल से सारी पावर्स वापस लेकर उसे अर्थ पर फेंक जाती है। माइकल पहले की तरह बदसूरत होता है। बेन केविन और गिवेन उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में चैमकास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होती है। पहले अपने फादर को खोना और अब माइकल को, ये सब सहना उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।